बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन और सामीन, और खुसूसन कपास के काश्तकारान के लिए मैं चंद गुजारशात करना ज़रूरी समझता हूँ। और ख़ास तौर पे कपास की साफ चुनाई के लिए एहतियाती तदाबीर कौन सी इख्तियार करनी चाहिए। याद रखें, कपास की चुनाई उस वक्त करें जब 50% यानी 50% टींडे खिल चुके हों, और कपास की चुनाई सुबह 10 बजे सूरज की रोशनी में करें, ताकि खुले हुए टींडों पर से रात की जो औस पड़ती है या शबनम, वो खुश्क हो जाए। और इससे कपास एक तो बदरंग नहीं होती, और नमी की वजह से जिनिंग के दौरान मुश्किलात पेश नहीं आती। इसके अलावा चुनाई हमेशा पौधों के निचले हिस्से से शुरू करते हुए पौधे के ऊपर वाले हिस्से पर आए, ताकि नीचे वाले खिले हुए टींडे जो हैं वो ऊपर के पत्तों या छड़ियों या किसी दूसरी चीज़ से महफूज रहें। और याद रखें, चुनाई की शुरू करने से पहले ये चुनाई करने वालों के लिए, जो उनके सुपरवाइज़र्स हैं, उनके लिए मैं एक ज़रूरी समझता हूँ उनको बताना कि कपास चुनने वाली खातीन लेडीज़ को चुनाई के मुतालिक मुकम्मल असूल बताएं और अपनी निगरानी में चुनाई करवाएं। और चुनाई करने वालों की उजरत की अदायगी, जो फुट्टी के वज़न साथ उसकी सफाई और सुथराई की बुनियाद पर, वो की जानी चाहिए। और इसके अलावा गुलाबी सुंडी से मुतासर टिंडों की चुनाई अव्वल तो ना करें, अगर करनी भी हो तो उनको अलहदा कर दें। और अलहदा शुदा जो अलहदा करेंगे, और हासिल शुदा जितनी भी फुट्टी है उसको अलहदा जिनिंग करके बीज को तल्फ कर दें, और रुई को रज़ाइयों और तकियों को भरने के लिए इस्तेमाल करें जिन पे ये गुलाबी सुंडी का अटैक हो। और मेरी जान, खुले हुए टिंडों की चुनाई शदीद सर्दी पड़ने से पहले कर लें, ताकि कोरा पड़ने से जो बनौले होते हैं उनकी क्वालिटी मुतासिर ना हो। एक और एहतियाती तदबीर मैं पेश कर रहा हूँ कि कपास की चुनाई 15 से 20 दिन के वक्फा से करें, क्योंकि जल्द चुनाई करने से रेशा कच्चा रह जाता है, जिसकी आलमी मंडी में बहुत कम कीमत मिलती है। और चुनाई के दौरान कपास की चुनाई के लिए औरतों के पास सफ़ेद सूती कपड़ा, या जिसको झोली कहते हैं, वो होना ज़रूरी है। और चुनाई करने वाली औरतों को चाहिए कि अपने सरों को सफ़ेद कपड़े से ढांप कर रखें, ताकि फुट्टी में जो माल वगैरह शामिल ना हो सकें। और इसके अलावा हो सके तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें, ये बहुत ज़रूरी है। मेरी जितनी बेटियां बहनें चुनाई पे लगी हुई हैं, उनके लिए एहतियाती तदाबीर में से एक ये तदबीर भी मैं आपको पेश करना चाहता हूं कि प्लीज़ आप ये मास्क का इस्तेमाल भी करें। और अल्लाह ताला इस मुल्क को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। और इस के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा, लेकिन एज़ यूजुअल प्रोग्राम का इख्तिताम
इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अरशाद ग्रामी है, मुझे दो चीज़ों की ज़मानत दे, मैं उसे जन्नत की ज़मानत देता हूँ, ज़ुबान और शर्मगाह की। मुत्तफ़िक़ अलैह फ़ी मा अल्लाह।